भी छात्रों, कक्षा 12वीं के व्यवसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत इकाई 6 में आज हम अध्ययन करेंगे निर्देशन, जिसको डायरेक्शन कहा जाता है। निर्देशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सामान्य तौर पर निर्देशन या डायरेक्शन जो है किसी कार्य के लिए मार्गदर्शन देना, किसी कार्य के लिए मार्गदर्शन देना, रास्ता दिखाना कि किसी कार्य को हमें किस प्रकार से करना है। अब एक व्यवसायिक उपक्रम में जब हम देखते हैं तो व्यवसायिक उपक्रम के अंतर्गत, प्रबंध की व्यवस्था के अंतर्गत, संगठन की व्यवस्था के अंतर्गत जब हम कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं तो उनको जो है उनके पद के अनुरूप उनको कार्य का विभाजन करते हैं, और जब कार्य का विभाजन करते हैं तो उनके बीच में पदों के अनुसार उनके बीच में विभाजन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को भली भांति ये ज्ञात हो जाता है कि कौन कर्मचारी किसके अधीनस्थ है और किसको किसके अधीन रहकर कार्य को करना है। यहाँ पर जो है वरिष्ठ अधिकारी जो है वो अपने अधीनस्थ से कार्य कराने के लिए विधिवत रूप से उसको समय समय पर निर्देशित करता है, उसको डायरेक्ट करता है, उसको डायरेक्शन प्रदान करता है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं किसी कार्य को पूरा कराने के लिए अपने अधीनस्थ का मार्गदर्शन करना, उसका पथ प्रदर्शन करना, उसको ये बतलाना कि कार्य किस प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ हम परिभाषिक रूप से देखेंगे निर्देशन के बारे में। तो यहाँ सामान्य तौर पर कर्मचारियों को सौंपे गए कार्य एवं उत्तरदायित्व को संपन्न कराने के लिए प्रदान किए जाने वाले मार्गदर्शन एवं अभिप्रेरणा से है। तो यहाँ पर हम सामान्य तौर पर ये देखते हैं कि एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जो कार्य सौंपता है, जो उसको उत्तरदायित्व सौंपता है, उसको पूर्ण कराने के लिए समय समय पर उसको मार्गदर्शन प्रदान करता है और उसको अभिप्रेरित करता है। अभिप्रेरणा से यहाँ पर तात्पर्य है कि उसको कार्य के लिए क्या करना, प्रेरित करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अधीनस्थ से काम लेने के लिए उनका मार्गदर्शन तथा प्रभावपूर्ण पर्यवेक्षण करना ही क्या है, निर्देशन है। अब अपने अधीनस्थ को कार्य बता दिया, उसका मार्गदर्शन कर दिया और समय समय पर उसका क्या है, पर्यवेक्षण करना, देखना कि वो कार्य किस प्रकार से कर रहा है, निर्देश के अनुसार कार्य कर रहा है अथवा नहीं कर रहा। यहाँ पर जो परिभाषा दी उन्होंने यहाँ पर कि अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंधकीय कार्य ही क्या है, निर्देशन कहलाता है। अपने अधीनस्थों को रास्ता दिखाना, उनका मार्गदर्शन करना, उनका पथ प्रदर्शन करना और साथ ही उनके ऊपर मॉनिटरिंग करना, उनका पर्यवेक्षण करना, उनका काम जो है वो किस प्रकार से कर रहे हैं उसका देखते रहना, यही क्या है, निर्देशन कहलाता है। तो वास्तव में निर्देशन के अंतर्गत जो है अभिप्रेरणा, नेतृत्व तथा संप्रेषण को प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया है। नंबर एक अभिप्रेरणा, नंबर दो नेतृत्व और नंबर तीन संप्रेषण, इनको जो है मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया। तो निर्देशन के अंतर्गत जब हम किसी को कोई कार्य सौंपते हैं तो उसको बताते हैं कि किस प्रकार से करना है और समय समय पर जो उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसके लिए उसको क्या करना, प्रेरित करना, उसका उत्साह बढ़ाना। फिर बात आती नेतृत्व की, जब हम उससे काम करा रहे हैं तो उसका नेतृत्व करना, उसकी अगुवाई करना, पहल शक्ति के द्वारा उसको ये बताना कि किस प्रकार से कार्य को करना है। साथ ही फिर संप्रेषण, संप्रेषण से तात्पर्य यहाँ पर है कि जो बात उच्च स्तर से कही गई है वो उसी रूप में नीचे तक पहुँचे, अर्थात वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं अधीनस्थ के पास उस रूप में पहुँचे। तो यहाँ निर्देशन में जो है, निर्देशन तभी सफल होता है जबकि पर्याप्त कर्मचारी को अभिप्रेरित करे, कर्मचारी का नेतृत्व करे और अपनी कही गई बात को सही ढंग से नीचे कर्मचारी तक संप्रेषित करे, इसको मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि निर्देशन जो है प्रबंध का ऐसा कार्य है जो
जो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को निर्देश, मार्गदर्शन एवं अभिप्रेरणा प्रदान करता है। तो यहाँ इस प्रकार से जो है कि निर्देशन प्रबंध का एक प्राथमिक कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, जो संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को निर्देश, मार्गदर्शन एवं अभिप्रेरणा प्रदान करता है। तो ये कहलाता है निर्देशन। इसके बाद हम देखेंगे निर्देशन के लक्षण या विशेषताएं। निर्देशन जो है प्रबंध का जो है महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य। प्रबंध के अंतर्गत जो है सबसे पहले हम नियोजन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, संगठन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, फिर उसके बाद संगठन के अनुरूप जो हम ढांचा संरचना तैयार करते हैं संगठन के, उसके अंतर्गत जो भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको हम कार्य के प्रति क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। तो यहाँ जो है संगठन के अंतर, संगठन की जो पृष्ठभूमि है वो तो तैयार हो जाती है, लेकिन निर्देशन जो है संगठन जो कार्य करता है वो निर्देशन के अनुसार काम का कार्य, निर्देश के अनुसार होता है। तो यहां पर जो है ये प्रबंध का क्या है, महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य है। दूसरा जो है सतत प्रक्रिया है, ये लगातार निर्देशन जो है लगातार अनवरत रूप से चलता रहता है, इसलिए कि उपक्रम जो चालू है लगातार कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो लगातार उन पर जो है हम मॉनिटरिंग करते हैं, परीक्षण करते हैं, साथ ही उन्हें समय समय पर निर्देशन प्रदान करते रहते हैं। तो निर्देशन की जो प्रक्रिया है ये कैसी है, सतत प्रक्रिया है, लगातार अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा जो है संपूर्ण उपक्रम में फैलाव, यहाँ वरिष्ठ अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक फैलाव होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि निर्देशन की जो प्रक्रिया है तो सतत प्रक्रिया है, फिर दूसरा संपूर्ण उपक्रम में इसका फैलाव होता है, मतलब वरिष्ठ अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक निर्देशन की जो प्रक्रिया है अनवरत रूप से चलती रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुशासन से संबंधित, निर्देशन के माध्यम से जो है अनुशासन एक उपक्रम में बनता है। जिस प्रकार से निर्देश प्रदान किए जाएंगे कर्मचारी जो है उस हिसाब से अपने कार्य को संचालित करता है, तो यहाँ पर जो है अनुशासन की प्रक्रिया बनी रहती है। फिर निर्देशन जो है सृजनात्मक कार्य है, कार्य को पूरा करने के लिए एक विचार है, कि कार्य को हम किस प्रकार से पूरा करें, कर्मचारियों से किस प्रकार को हम कार्य को कराएं, उन्हें हम किस प्रकार से निर्देशित करें ताकि बेहतर से बेहतर कार्य हो। तो यहाँ पर जो है ये जो है सृजनात्मक कार्य भी है। फिर अंतिम जो है समन्वय का कार्य, निर्देशन जो है जो भी उपक्रम के प्रबंध के जो कार्य हैं, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, इन सबके बीच में जो है सबके बीच में समन्वय स्थापित करता है, यहां पर जो है निर्देशन जो है प्रबंध के जो विभिन्न कार्य हैं उन सभी के बीच में क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। तो ये जो है निर्देशन के लक्षण या इसकी विशेषताएं। अब यहां हम देखेंगे निर्देशन के सिद्धांत, किन सिद्धांतों के आधार पर निर्देशन जो है प्रक्रिया को हम एक उपक्रम में सफलतापूर्वक संचालित करते हैं।
तो सबसे पहला जो बिंदु है उद्देश्य की एकता का सिद्धांत। हर उपक्रम के, हर फर्म के, कंपनी के अपने एक उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों के अनुरूप जो है वो संस्था कार्य करती है। उस संस्था में बहुत सारे कर्मचारी कार्य करते हैं, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो है कि एक उपक्रम के उद्देश्य एवं कर्मचारी के उद्देश्यों में सामंजस्य होना चाहिए। अर्थात उपक्रम के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों के अनुरूप कर्मचारियों के भी उस संस्था के हित में उद्देश्य होना चाहिए, अर्थात दोनों में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। जब दोनों के उद्देश्य एक होते हैं तो उपक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने में अधीनस्थों का अधिकतम योगदान मिलता है। यहाँ पर जो मुख्य बात यह है कि व्यक्तिगत हित को, एक कर्मचारी जो है व्यक्तिगत हित को किनारे रखकर संस्था के हित के उद्देश्य में कार्य करता है, तो यहाँ पर संस्था के हित का उद्देश्य और कर्मचारी के हित का उद्देश्य दोनों का क्या हो जाता है, सामंजस्य हो जाता है। और जब दोनों का सामंजस्य हो जाता है तो फिर फर्म या संस्था या उपक्रम जो है वो बेहतर प्रगति की ओर बढ़ती है, अग्रसर होती है। दूसरा बिंदु जो है निर्देशन या आदेश की एकात्मता का सिद्धांत। प्रदान किए जाते हैं वो एक ही निर्देश पर होना चाहिए और एक ही वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त होने चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक कर्मचारी के ऊपर मान लीजिए दो अधिकारी, तीन अधिकारी हैं, ऊपर से जो आदेश चलकर आया वो क्रम से बदलता हुआ अलग अलग अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों के पास आदेश पहुंच रहा है। अर्थात जो भी आदेश हैं, जो भी निर्देश हैं, वो एक ही अधिकारी से उसको प्राप्त होना चाहिए। ऐसा ना होने पर जो है भ्रम एवं अनुशासनहीनता की स्थिति बन सकती है। तो ये दूसरा बिंदु जो है निर्देशन या आदेश की एकता का सिद्धांत है। तीसरा जो बिंदु है निर्देशन की दक्षता का सिद्धांत। यहाँ पर जो है हम उपक्रम को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, उपक्रम के निर्देश को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अधीनस्थों के मध्य जो है उचित अभिप्रेरण, नेतृत्व एवं संप्रेषण की तकनीक अपनाना चाहिए। अर्थात यहाँ पर जो है जो भी अधीनस्थ हैं उनको हम समय समय पर अभिप्रेरित करें, उनका मार्गदर्शन करें, उनका नेतृत्व करें और जो बात मुख्य रूप से उनको समझानी है संप्रेषण के माध्यम। पर्यवेक्षक का सिद्धांत। अपने अधीनस्थ को जब भी वरिष्ठ अधिकारी जो भी कार्य सौंपते हैं तो उनसे उनको क्या रखना चाहिए, प्रत्यक्ष संपर्क रखना चाहिए। अधीनस्थों के साथ उसको प्रत्यक्ष संपर्क रखना चाहिए। यदि प्रत्यक्ष संपर्क होगा तो अधीनस्थ को काम के दौरान जो भी समस्या या परेशानी आ रही हैं तो वो अपने वरिष्ठ अधिकारी को बता सकता है और उनसे सही मार्गदर्शन ले सकता है। तो यहाँ पर जरूरी है कि अधीनस्थों के साथ व्यक्तिगत संपर्क, मौखिक संदेश वाहन तथा अनौपचारिक संबंध स्थापित किए जाएं। ऑफिशियली टर्म्स रहें उनके, अनऑफिशियली टर्म्स रहें, अर्थात एक प्रबंधक और कर्मचारी के बीच में दोनों प्रकार के पर्याप्त संबंध होना चाहिए, औपचारिक और अनौपचारिक। यहाँ पर जो है उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थों के प्रत्यक्ष संपर्क से अधीनस्थों का क्या बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये जो बिंदु है यह है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक का सिद्धांत। इसके बाद है प्रजातांत्रिक प्रबंधकीय शैली का सिद्धांत। यहाँ पर आवश्यक है कि उच्च प्रबंध जो है अपने अधीनस्थों के विचारों को सम्मान दे, उनके विचारों को सुने व जाने, उचित होने पर आवश्यक विचारों का पालन करे। यहाँ उच्च प्रबंधक की कार्य निर्देश शैली सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक भी हो, निरंकुश ना होकर प्रजातांत्रिक हो। तो उच्च प्रबंधक जो है अपने अधीनस्थों के विचार को सम्मान दे, उनकी बात को सुने, उनकी बातों को जाने, साथ ही जो उसकी निर्देश की शैली है वो कैसी होना चाहिए, सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक भी होना चाहिए। साथ ही निरंकुश या तानाशाही ना होकर प्रजातांत्रिक हो, तब यहाँ पर जो कर्मचारी है वो बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ जो है स्वतंत्रता पूर्वक कार्य को बेहतर ढंग से कर सकता है। यदि प्रकृति यहाँ पर, प्रवृत्ति जो है वो निरंकुश होगी, तानाशाही होगी, तो ऐसी स्थिति में एक कर्मचारी के मन में एक भय व्याप्त रहेगा और जब वो भय व्याप्त रहेगा तो वो बेहतर ढंग से कार्य को नहीं कर पाएगा। तो प्रजातांत्रिक जो है प्रबंध की शैली का सिद्धांत होना चाहिए। फिर अनुपरीक्षण का सिद्धांत। यहाँ पर जो है एक सतत प्रबंध की प्रक्रिया है
यहाँ निर्देशन का कार्य सिर्फ निर्देश प्रदान करना ही नहीं बल्कि कार्य प्रबंध की योजना के अनुसार हो रहा है नहीं हो रहा ये देखना होता है। निर्देशन में अधीनस्थों को आदेश निर्देश के साथ काम का अनुपरीक्षण कराना व सुधार हेतु मार्गदर्शन सम्मिलित है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो के सिद्धांत हैं उनको हमने जाना। इसके बाद जो अंतिम बिंदु है इसमें निर्देशन के तत्व, किस आधार पर जो है निर्देशन को हम महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो नंबर एक है जो परिपालन नीतियों एवं कार्य योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावशाली पर्यवेक्षण के माध्यम से किया जाता है। उपक्रम के जो भी परिणाम प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी नीतियां हैं, जो भी हमारी कार्य योजना है, उन पर हम प्रभावशाली ढंग से उसका निरीक्षण करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो वो प्रभावशाली पर्यवेक्षण। फिर दूसरा है अभिप्रेरणा, कर्मचारी को कार्य के दौरान अभिप्रेरित करना, उसकी कार्य की इच्छा को जागृत करना, कार्य के लिए उसको पहल प्रदान करना और उसके अंदर जो है प्रेरणा जागृत करना, जो श्रमिक के कार्य के प्रति क्या करता है, प्रेरित करता है। तो पहल शक्ति को बढ़ाना और उसको प्रेरित करना। फिर अगला बिंदु है नेतृत्व। नेतृत्व के माध्यम से जो है हम एक कर्मचारी को कार्य के प्रति अभिप्रेरित करते हैं, उसको निर्देशित करते हैं, उसको ये बताते हैं कि कार्य को किस प्रकार से करना है, कार्य के दौरान जो भी परेशानी या समस्याएं आती हैं उनको हमें उस समय पर उपस्थित रहकर उसको हल करना है, अर्थात सही मायने में उसका नेतृत्व करना है। चौथा बिंदु जो है इसमें संप्रेषण। यहाँ पर जो है निर्देशन का मूल उचित संप्रेषण है, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि निर्धारित कार्य कैसे करना है, अर्थात जो बात वरिष्ठ अधिकारी से लेकर निचले अधिकारी तक पहुंचती है वो बात किस रूप में है, स्पष्ट रूप से उनको बताना और कार्य को किस प्रकार से करना ये समझाना। फिर अंतिम बिंदु यहाँ पर जो है प्रबंधक जो है समन्वय सत्ता होता है, अर्थात ये सभी को मिलाकर चलने वाला होता है, ये निर्देशन के सभी पहलुओं में निरंतर समन्वय को बनाए रखता है। तो यहाँ पर जो है हमने निर्देशन के तत्वों को जाना, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व, संप्रेषण और समन्वय, ये पर्यवेक्षण के तत्व हैं यहाँ पर। और अभ्यास प्रश्न इसके बाद साथ निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, परिभाषा दीजिए, निर्देशन का अनुपरीक्षण का सिद्धांत क्या है, निर्देशन की विशेषताओं को समझाइए, निर्देशन के सिद्धांतों को विस्तार से समझाइए और निर्देशन के तत्वों को समझाइए।